आप की उम्र 18 साल से कम है और आपका दिल कमजोर है तो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें। तो यार जय श्री महाकाल दोस्तों, आज अपना आ चुके हैं राजस्थान के कोटा के शहर के अंदर और वहां पर एक यानी कि कोटा का बीड़ कहा जाता है इसको, जो कि आप देख सकते हो ये नीम का पेड़ है और कोटा के बीड़ के अंदर आ चुके गाइस। तो अपना है ना शमशान घाट है, वहां पे अपन चलने वाले। किसी मेरे सब्सक्राइबर भाई ने कहा था कि आप में दम है ना तो वहां पे जाके दिखाओ। तो बस मैं और करण भाई और मुकेश भैया हम तीनों आए हैं वीडियो के अंदर। और तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो। आपको एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर आप मेरे से प्यार कर दो ना कमेंट बॉक्स में लव यू सत्य भाई लिख देना। तो बस आप देख सकते हो यार काफी खतरनाक जंगल है यार भैया, काफी खतरनाक ड्रामनी जगह है और मेरे को डर लग रहा था तो मैं करण भाई को साथ में लिखा गया। इस तरफ तो भैया कोई नहीं है यार, ये क्या है भैया? हाँ भैया ये क्या है? ये मतलब ये खुट्टे जैसे ये भीड़ है ना भीड़। अरे ये दिखा, अरे भैया, अरे ये वो है भैया कब्रिस्तान तो नहीं है? पैर मतलब को यहाँ पे छोटे बच्चों ये देखो, मेरे को लगता है छोटे बच्चों का शमशान है ना, छोटे बच्चों को लग रहा है पास में मत जाओ भैया, पास में मत जाओ। समाधि है किसी की? ये समाधि, एक ये समाधि पेड़ भी लगा है भैया, बहुत सारी समाधि है यहाँ पे यार। करण भैया आगे चलो ना, सारी समाधियां है आप देख सकते हो। ये केरी उस तरफ भी है, उस तरफ भी देख सकते हो, आगे भी है, चारों तरफ दिखाई दे रहा है। बस आप देख सकते हो यार चारों तरफ की समाधियां है, ये देख सकते हो। ये यहाँ पे भी किसी को गार्ड रखा है, इधर मत जाओ, वापस चलो उधर, यहाँ पे गाड़ रखा है। ये देखो उबड़ खाबड़ है, मेरे सबसे कब्रिस्तान है। तो हम यहाँ पे तो नहीं जाएंगे, हम शमशान घाट के अंदर जाएंगे जहाँ पे मतलब कि पता चलता अघोरी बाबा रहता है वहाँ पे और उनके बच्चों के साथ पता नहीं किस चीज के साथ रहता है। इधर ही बताया था यार पास में। हाँ यार रास्ता नहीं मिल रहा है ना, हो गया। तो बस रात के 2 बज रहे हैं और तो बस आज एक एरी समझ। हाँ यार एक एरी अच्छा बस पेड़ के छूप रहे। तो गैस आगे चलते हैं अपन और अब देख सकते हो यार काफ़ी ड्रामनी जगह हैं और मतलब कि कोटा का भीड़ है। क्या शमशान तो हो रहा है गैस? ये शमशान है ना गुज्जर जाति का है और बहुत ही बड़ा है। कम दिख रहा, आगे चलो आगे। गैस ये शमशान गुज्जर जाति का है, बहुत ही बड़ा शमशान है। अजीब सी बदबू आ रही है लकड़ियाँ जलाई जाती है। यहाँ पे मतलब की लकड़ियाँ पड़ी है, सूखा है यहाँ पे मतलब लकड़ियाँ पड़ी है, यहाँ पे डेड बॉडी चला जाता है और यहाँ पे मतलब लकड़ी लाके लग देता है। ये देख सकते हो स्टोव का रखा है और एक भी है इस तरफ भी, इस तरफ पड़ी है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे भी पड़ी है लकड़ियाँ और मतलब की बहुत बड़ी बड़ी तने। ये देखो क्या है इसका, बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियाँ। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पूरा तीनों साथ में चलो भैया, ये है ना डर लग रहा है पैर दिख रहे उसके उसके पैर पैर दिख रहे भैया, जला हुआ है और जला हुआ है, जला पड़े। पास में चलो, पास में चलो, पास में। बस ये पता नहीं क्या चीज है भैया। हेलो भैया यार ये चला हुआ है, ये तो पेड़ सूखा हुआ है उस तरफ, जला हुआ आदमी पड़ा है, पेड़ सूखा हुआ पड़ा है यार। ये तो देखो ना, ये देख सकते हो गाइस, ये देख सकते हो यार पेड़ बिल्कुल सूखा हुआ पड़ा है यहां पे। तो ये पूरा दिखाओ, पूरा दिखाओ, ये देखो ना यार, अरे ये तो कोई पूरा सूखा पड़ा भैया। पर भैया इस तरफ भी समाधि है, इस तरफ भी समाधि है। ओए बस यहां पर ये केरी, ये बस। अरे ये तो आदमी है, हिल रहा है। नहीं नहीं अरे भैया छोटा बच्चा ही है ना, छोटा बच्चा है। मेरी वासन चाकू जेब में, जी मदद भी चाकू में, जी मां बानी पास में चलो, पास में चलो।
ये राख के ऊपर पांव रख दी के रुको रुको पास में आना। हां चलो चलो मेरे को डर लग रहा है भैया, ये मेरे को डर लग रहा है। ये राख पे पांव रख दे, कोई छोटा बच्चा आ रहा है। ओए ओए यहां पे कोई पड़ा है भैया, ये बोल नहीं रहा है। ओए हेलो हेलो भाई, हेलो बोल रहा है तो पास पास में पास जा भी कर रहे यार, जा भी क्या करो ये तो छोटा बच्चा है भैया। कौन पापा? मार पापा। तो तुम इस पे क्यों सो रहे हो? इधर आ गए ये इधर सो रहे हो तुम? बिस्तर यही मिला मेरे को, यही बिस्तर। हां क्या दुकान से पागल लिया इस पे तो मैं कौन हो? अरे तुम यहां क्या करते हो? चल जाओ यहां से। भैया बैठो इसके पास में बैठो, बातें सुनो। पर भैया इसकी तो भूख लग रही है यार, भूख लग रही है भैया। भूख के मारे इसका शरीर देखो कैसा हो गया, भैया बिल्कुल कमजोर हो गया है। तो क्या हुआ? कहाँ को बैठा तुम? कहाँ को बैठा पता है तुम? कुछ कुछ पता नहीं है। यहाँ पर कैसा है? शराब पी रखी कुछ नहीं पी भैया। तुम अगोरी बाबा, अगोरी बाबा बच्चे हो गया? कपड़े नहीं है क्यों इनके? ये अगोरी बाबा को गया? मेरे को पता नहीं है। नहीं तुम्हारे पापा कहाँ गए? तुम्हारे पापा कहाँ गए बच्चा? तो खाना लाने गए। खाना लाने गए? तुम्हारे पापा खाना लाने गए? खाना तो तुम डर लगता है यहाँ पे शमशान के अंदर सो रहो। अगोरी बाबा है तुम्हारे पापा? हाँ अगोरी पापा को तुम? हाँ यार शमशान में रात के ऊपर सो रहे हो, तुम्हारे पापा ने सुराया तुम्हें यहाँ पे? या तो मैं हो गया इधर आके हो गया मैं तो मेरी बात सुनो, कम आ रही है तुम हमारे साथ चलोगे? हमारे साथ चलोगे? ये अलग लैंग्वेज वाला अंदर है, अलग ये अलग ही बोल रहा है ना। ये मेरे को लगता है ना ताम भैया, हम आपको खाना खिला देंगे। कुरुक गोरी का बच्चा है कोई? गोरी का बच्चा लग रहा है। कुरुक है ना, कुरुक होते हैं ना, कुरुक गोरी का है ना, काफी खतरनाक होते भैया वो। काली ड्रेस पहन रहे भैया, हमको ना जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। मेरी बात सुनो, इसको लेके चलो, हमारे साथ चल चलो, हम आपको खाना खिला देंगे। हम खाना खिला देंगे तुम्हें, हमारे साथ चलो। ऐसे मत सोच प्यार समझो, चप्पल नहीं, कपड़े भी नहीं तुम्हारे। तुम्हारे पापा नशे करते है? नशा करता है तुम्हारा पापा? छोटा बच्चा है, तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारा नाम है क्या? कुछ यार नाम नहीं रखा भैया। इसके शरीर पे देखो ये क्या, भैया इसके शरीर पे देखो ये क्या, ये क्या चीज़ यार? तलवार है, तलवार है ये तो। बस ये पता नहीं क्या चीज़ है, तलवार है। अगोरी बाबा ऐसे होते थे अपनी गाड़ी की तरफ चलते मार रहा भी गंजे वगैरह तो नहीं पीते भी है? नशा कर रखा है। अगोरी वगैरह जो होते हैं ना गंजे वगैरह पीते भी है, चिलौन वगैरह पी रहा यार भैया। इन्होंने मुझे लगता है कई दिनों से नहाया नहीं यार। गाड़ी बैठाते कई दिनों से नहीं, गाड़ी में बैठाने से गाड़ी में बैठा रहना। आप ये वाली गाड़ी चलाना, मुझे गाड़ी बैठा तो बैठ बैठ इसको बिठा लेते हैं जल्दी। बैठ बैठ ढंग से बैठ दो बेटा, अरे मेरे को पकड़ ले, पकड़ ले इसको, मैं इससे बांध दो खाना खिलाएंगे। अरे इससे बांध दो, पड़ जाएगा मेरे रुमाल से बांध दो, मेरे मुँह बांध दो, इससे बांध दो, बांध दो बांध दो जल्दी बांध दो, आगे से बांध दो, पड़ जाएगा यार ये। ठीक है और अब इसको लेकर आएंगे होटल के अंदर, थोड़ा पहले नाश्ता वगैरह करा देते हैं फिर ले चलते हैं। नए कपड़े दिलाएंगे फिर यार, कपड़ा कमजोर काफी है भी यार, ये मेरे को लगता होश में भी नहीं है यार। चलो ठीक है भैया, इसको पूछ लो ये मतलब किस चीज़ का खाना खाते है, नशा करते है यार? बिस्किट और आपने लिए चार चार लगा दो, तीन बिस्किट लेना इसके। क्या हो गया तुम्हारा? ये क्या हो गया, ये क्या रखा है बताइए थोड़ा? देख क्या लगा रहे हैं, ठीक है? और बिस्किट लगा देते हैं फिर होटल पे चलते हैं, आपको कपड़े वपड़े भी दिलाएंगे, खाना ना भी खिलाएंगे। नो टेंशन है ना आपके लिए, ये आपका आपका नाम तो बताओगे आपको? हालत काफ़ी ख़राब हो रखी है इसकी सर। आप सिंगो? आप
नहीं नहीं सिंह तो नहीं हुआ यार, अब गोरी का बच्चा भी है। अब तो गोरी को यार अभी चाय वाले खिलाएंगे इसको। अभी चाय भाई, चाय की बोल देना, खाना वाना खिलाएंगे। काफी दिनों से भूखा है यार, काफी दिनों से कमजोर हो गया। तुम्हारे पापा कब आएंगे? मेरे वासरों इसको कपड़े दिला देते हैं, कपड़े दिला देते हैं, चप्पल भी दिला देंगे, चप्पल काटे लग चुके चप्पल, पैर फट गए थे। इसको अपन कपड़े दिला देंगे और सब मेरे वासरों तुम्हें ना हम छोड़ेंगे नहीं, हमारे साथ रह जाओगे, जो भी जरूरत हो ना हमारे साथ रह जाओगे। तुम्हारे पापा ढूंढेंगे नहीं तुम्हें, नहीं इसका नाम सब कुछ अलग रख देंगे ना। तो अपने पास में कैसे रख सकते हैं यार? नहीं इसको यहाँ से लेके चलते हैं, 4-5 दिन के लिए छुपा लेते हैं। अघोरी ढूंढने का तो मतलब बताएंगे नहीं उनको, अपने एक बार अघोरी बाबा के पास में आएंगे। हाँ भाई चाय बन गई क्या? हाँ चाय बन, अभी हमारे साथ रह जाना। आप चाय बन गई क्या? हाँ चाय बन गई, चाय लेकर चाय लेकर चाय से चाय चाय ले लो भैया, चाय ले लो, लो भैया लो चाय खाओ, चाय पियो, चाय बिस्किट से खा लो, है ना चाय बिस्किट से खा लो। आप तो हमारे साथ रहोगे आप भैया, आपने लिए भी चाय ले लो, कहो भैया आपने लिए चाय ले लो। नहीं मेरे लिए मत लो भैया, आप नहीं पियोगे? नहीं मैं नहीं। आप हमारे साथ रह जाओगे ना? ठीक है, आप इसके लिए खाना भी लगवा दिया भैया, खाना लगवा देंगे। चलो ठीक है, अभी तो तुम्हें भरपेट खाना खिला देंगे इसको। तो मार्केट से जाकर ड्रेस लेना और चप्पल भी लेना और इसको नाथ धुला के और फिर अपने साथ रखते हैं ना, फिर अघोरी बाबा से बात करते हैं, सुबह को कभी भी आएंगे ना तो बात करते हैं। तो गाइस अभी तो हमारे साथ रख लेते हैं इसको और फिर जो भी होगा ना तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा मैं। और बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल।